Okay, beta. Now let us start with again the types of events we are doing. Okay, और हमने बेटा कल mutually exclusive events किए थे और मैंने आपको sorry जो है तो हमने बोला था कि जो mutually exclusive events होते हैं ना, मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि event E1 and event E2, these are mutually exclusive events. तो बेटा 100% ये दोनों की इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगी तो वो फाई सेट आएगा, और मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी जो है, अगर फाई सेट है तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी. ओके बेटा, क्लियर? लेकिन हमने अब किसकी बात करनी है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की. ओके, लेट अस सी हाउ वी विल डू और डिफाइंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. राइट डाउन द हेडिंग एग्जॉस्टिव इवेंट्स. देखो अब बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे इवेंट्स होते हैं, इसके लिए बेटा मेरे पास जो है ऐसे इवेंट्स, मान लीजिए अगर ई वन ई टू ई थ्री कुछ ऐसे इवेंट्स है, मान लीजिए ई एन तक इवेंट्स है. ओके, अगर इन सब का मैं यूनियन ले लूं और ये सैंपल स्पेस के इक्वल आता है, जो भी मेरा सैंपल स्पेस है, तो मैं इन सारे इवेंट्स को मिला के क्या बोलती हूँ कि दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. बट मैथमेटिकली जैसे हमने लिखना है, मतलब ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री यूनियन ई फोर सो ऑन यूनियन ऑफ ई एन जो है, इट मेक्स सैंपल स्पेस. और शॉर्टकट में अगर मैंने लिखना है, वेट बेटा, हाँ जी बेटा, तो मैंने यहां पर बताया कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो हैं वो इवेंट्स होते हैं, अगर उनका हम यूनियन करें ना तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए. ठीक है बेटा, अब यहां पर बेटा मेरे पास नेक्स्ट टाइप आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. मतलब मेरे पास ऐसा इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव इवेंट भी हो. बिल्कुल वही कि अगर मेरे पास ये इवेंट्स E1, E2, E3, EN तक है, अब एग्जॉस्टिव का मीनिंग मैंने आपको बताया कि सबको. अच्छा, शॉर्टकट में पता कैसे लिख देते हैं, ऐसे EI दैट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, कि सबकी यूनियन करें तो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए. अब मैंने एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव भी तो ऐड करना ना, इसका मतलब एट ए टाइम मैं कोई दो इवेंट्स की इंटरसेक्शन लू, ई आई इंटरसेक्शन ई जे दैट इज इक्वल टू फाइव, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो. एट ए टाइम इफ आई टेक एनी टू इवेंट्स तो उनकी इंटरसेक्शन फाइव के इक्वल हो, और यूनियन लू तो वो किसके इक्वल हो, सैंपल स्पेस के इक्वल. ओके बेटा, सबको बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं यहां तक? ठीक है, चले अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है चेक करना मुझे कि वेदर द एक्सपेरिमेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट. अब बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैं क्या चेक करूं, जो भी दो इवेंट्स हैं अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूं तो वो फाइ के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है बेटा, तो उसके लिए बेटा मैं एग्जाम्पल सेवेंथ ऑन पेज 392 पे आपको करवाने लगी हूँ. एग्जाम्पल सेवन, टू डाइज आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर विच कम्स अप ऑन द डाइज इज नोटेड. लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट. ए मेरे पास जो है सम इज इवन. वैसे आपको पता है कि अगर दो डाइज हम थ्रो करते हैं ना तो टोटल 36 केसेस होते हैं. मैं सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख रही हूँ, वन टू वन 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 टू सो ऑन वन सिक्स, ऐसे टू वन के साथ टू सिक्स तक, थ्री वन के साथ थ्री सिक्स तक, और फोर वन के साथ फोर सिक्स तक, फिर फाइव वन के साथ फाइव सिक्स तक, और बेटा फिर सिक्स वन के साथ
6 से 6 तक, ठीक है जी। अब मैंने सबसे पहले देखना है कि मैंने ए इवेंट ऐसा लिखना है जिसमें सम इवन आए, तो मेरे को क्या करूं, या तो दोनों इवन नंबर होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए तो सम इवन आएगा। आई स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, एक 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, फिर 2 2 आएगा, 2 4 आएगा, 2 6 आएगा, फिर 3, अगर पहला 1 ऑड है तो अगला भी ऑड, फिर 3 3 और 3 5, फिर बेटा 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, ठीक है जी, फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 3, 5 के साथ मेरे पास हो गए 5, फिर 6 के साथ 2, 6 के साथ बेटा 4 और 6 के साथ 6, क्लियर। ए के मैंने जो जो एलिमेंट आ सकते हैं आप रिटर्न ही। अब अगला बेटा बी, द सम इज द मल्टीपल ऑफ 3, कि सम जो करूं तो वो मल्टीपल ऑफ 3 आए, तो बेटा बड़े ध्यान से हमने लिखना होता है, क्लियर कट है। 1 + 1 2 आया, 1 + 2 3 3 मल्टीपल होगा ना, यानी मुझे देखना है कि सम 3 6 9 जो है और 12 इनमें से है, तो मुझे वही ऑप्शंस लेनी है। तो ये तो बहुत इजी है, मैं स्टार्ट करूंगी, अगर 1 2 लिया मुझे पता 3 इससे बनता है तो 2 1 भी लेना। अगला 6 आने के लिए 1 और 5 चलेगा, तो 5 1, और 6 आने के लिए 3 3 और 2 4 और 4 2, 6 वाले और कोई नहीं बनते, ठीक है। अब 9 वाले मेरे पास हो गए 3 6, तो 6 3 4 5 और 5 4, 9 वाले भी हो गए है ना। अब कौन सा रह गया 12 वाला, वो तो एक ही है मुझे पता है, 6 और 6। अब थर्ड ऑप्शन है द सम इज लेस देन 4, जो सम है ना 4 से लेस होना चाहिए। आई विल राइट 1 1 1 2, फिर 1 3, 4 से लेस ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगी, व्हाट आई हैव टू डू हियर नाउ, मैं अब आगे 2 से चलू, 2 1, 2 2 नहीं लिख सकती, सम 4 हो गया ना। अब 3 1 नहीं, आगे बड़े ही आएंगे, तो ओनली 3 ऑप्शन इज देयर, तो मैंने ये क्लोज कर दी। अब मुझे डी ऑप्शन, द सम इज ग्रेटर देन 4 11, अब बेटा सम इज ग्रेटर देन 11 तो 12 भी होना चाहिए ना, 12 एक ही केस में बनता है बेटा, सिर्फ 6, 6। मैंने सारे इवेंट्स के एलिमेंट सैंपल पॉइंट्स लिख दिए, ओके। अब मुझे क्या कहा गया, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें से कौन से पेयर हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों की मैं इंटरसेक्शन लूं तो वो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं ए का बी के साथ किया, 6 6 तो मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब इसका इसके साथ देखो, ए का सी के साथ 1 1 मुझे सेम नजर आ रहा नहीं है, तो ए का डी के साथ लूं, 6 6 कॉमन है, 5 नहीं है, तो ए किसी के साथ भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। अब बी का स्टार्ट कर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वो टर्न बाय टर्न चेक करते हैं बेटा। अब बी का ए के साथ हमने चेक कर लिया हुआ है, बी का सी के साथ देखें तो मेरे पास 2 1 कॉमन है तो नहीं, ठीक है जी। तो आ जाए बी का डी के साथ, 6 6 है नहीं क्योंकि कॉमन है, तो अब आ जाए सी का ए बी के साथ चेक कर चुके हैं, सिर्फ डी के साथ रह गया, तो डी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पता चल गया बेटा कैसे चेक करते, ठीक है जी। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन सेम, ठीक है, आपने क्या करना है, डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं होनी चाहिए और सबका यूनियन करें तो वो क्या बनना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल। आई थिंक यू आर एबल टू डू, वेरी इजी एक्सरसाइज, ठीक है। अब मैं आपको
एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगी 12.6 से, और आपकी असेसमेंट है कि आपने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बिकॉज बिल्कुल सेट थ्योरी पर बेस्ड है जो हम ऑलरेडी कर चुके। लेट अस डू नाउ द एक्सरसाइज जो है 16.2। ओके बेटा, तो 16.2 मेरे पास हो गए। एक्सरसाइज 16.2, हाँ जी, व्हाट दैट क्वेश्चन इज फर्स्ट बेटा मेरे पास जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अ डाइस इज रोल्ड एंड लेट ई बी द इवेंट दैट द डाइस शोज 4। मेरे पास ई एक इवेंट है कि इसमें सिर्फ 4 आया, ओके, एंड एफ इज द इवेंट दैट द डाइस शोज इवन नंबर। अगर इवन नंबर शो करता है तो क्या क्या आ सकता है, 2, 4, 6, आपको पता है ना। अब बेटा R, E and F are mutually exclusive. बताइए जरा, क्या E and F mutually exclusive है? हाँ जी बताइए। मैंने मैम नहीं है, क्यों नहीं है? Because 4 is common. बिल्कुल करेक्ट बेटा, because 4 is common. बिल्कुल, और आप लिखोगे इंटरसेक्शन ऑफ जो है E and F is 4, that is not equal to 5, therefore this is not mutually exclusive. ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन में ना, मैं आपको, चलो अगले क्वेश्चन में ही करते हैं हम लोग, उसमें सारे केसेस कैसे कैसे निकालते हैं हम वो करेंगे। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई एम रबिंग इट। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास दिया हुआ है, डाइस इज थ्रोन। अगर एक डाइस थ्रो की गई है तो मुझे पता है नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ व्हाट इज रिटन हियर इन द फर्स्ट ए जो है, अ नंबर लेस देन 7। अगर नंबर लेस देन 7 है तो दैट मींस मेरे पास सारे के सारे नंबर आ गए। अब बी में क्या दिया हुआ है, नंबर ग्रेटर देन 7। अब बेटा नंबर ग्रेटर देन 7 तो आ नहीं सकता, अब प्लीज 5 एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट सी में मल्टीपल ऑफ 3, अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 and 6। डी, अ मल्टी अ नंबर लेस देन 4, अ नंबर लेस देन 4 मतलब 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ई, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। ई मेरे पास दिया हुआ है इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो वो अकेला 6 आ गया। ओके बेटा, अब मुझे देखना है एफ, नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से लेस नहीं होना चाहिए, दैट मींस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो 4, 5, 6। ठीक है, हमने पहले सबके जो है सैंपल पॉइंट्स लिख लिए। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, कैलकुलेट ए यूनियन बी। सेट थ्योरी याद आ गई होगी, यूनियन का मतलब है सब कुछ लिखना होता है। अच्छा ऐसे नहीं लिखना इसको बेटा, दिस इज रॉन्ग, करली ब्रैकेट्स में, क्यों, वो एक एलिमेंट की तरह 5 बन जाता है, डोंट राइट लाइक दिस, ये बिना ब्रैकेट्स के आएगा। 0 भी नहीं लिखना, 0 एक एलिमेंट की तरह एक्ट होता है। ओके, तो ए और बी का यूनियन, बी में कुछ है ही नहीं तो वो ए ही एलिमेंट आ जाएंगे ना सारे, ए के 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके क्लियर, अब सेकंड क्या कहा, इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, कुछ कॉमन, जब बी में कुछ है ही नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 मैम, 5। ठीक है जी, क्लियर, एम्प्टी सेट ही रहेगा ना मेरे पास। अब नेक्स्ट है बी यूनियन सी, चलिए जी यूनियन लिखनी है, बताइए टर्न बाय टर्न। अभी चलो मेरा बेटा, अभी अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए बेटा, बी यूनियन सी क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बेटा, अबे ओके काव्या बताइए बेटा। मैम 3 and 6। यस 3 and 6, कुछ भी मेरे पास हो गए यहाँ कॉमन नहीं है,
बी में कुछ था ही नहीं तो अकेला सी ही आ जाएगा। अगर मैं कहती सी यूनियन डी तो क्या करते? अर्शदीप रोल नंबर 7 सी यूनियन डी। यस अर्शदीप बताइए बेटा। मैम इट्स 3 1 2 3 6 यस 1 2 3 6 अच्छा अगर मैं कहती यस बिल्कुल करेक्ट बेटा 1 2 6 अगर मैं कहती सी इंटरसेक्शन डी नेक्स्ट टर्न अदिति बेटा ओके आपने ही आंसर दे दिया दैट इज 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं कहती सी माइनस डी अदिति अनम्यूट योरसेल्फ बेटा अदिति अदिति आशीष दोनों में से कोई भी अनम्यूट करे अपने आप को और आंसर नहीं भी आता कोई बात नहीं हम डिस्कस करेंगे बेटा जल्दी जल्दी शाबाश प्रगति रिद्धि समृद्धि मैम कर दो डिस्कस। हाँ जी चलो तो अब बेटा देखो हाँ जी कोई बता सकता है ये समृद्धि बताइए एक जाना बोले बेटा समृद्धि बताइए बेटा मैम 1 2 6 आपने बोला 1 2 6 बेटा गलत है आंसर सी 1 2 नो मैं बताती हूँ सी माइनस डी का मतलब है सी में से जो डी के साथ कॉमन है ना वो खत्म कर दो सी में कॉमन 3 था वो कट गया तो आंसर कौन सा बचा अकेला 6 हम यहां 6 लिखेंगे। अगर होता ना डी माइनस सी अब डी में से जो सी के साथ कॉमन है वो 3 है अब डी में बचा क्या 1 2 तो बेटा हम यहां 1 2 ये डी माइनस सी का मतलब है एलिमेंट्स विच आर इन डी बट नॉट इन सी डी बट नॉट सी ओके यहां पर मतलब है एलिमेंट्स ऑफ सी बट नॉट डी मतलब वो ऐसे एलिमेंट्स जो सी को बिलोंग करे लेकिन डी सेट को बिलोंग ना करे। क्लियर सबको बात समझ आ गई बेटा ठीक है जी चले बेटा अब आगे ऐसे ही अगर मुझे कहते कि आप कैलकुलेट कीजिए सी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट क्या करते थे यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देते थे ना करते थे ना तो हम यहाँ पर सैंपल स्पेस जैसे है ना 1 2 3 4 5 6 अब 6 में से 3 6 काट दो तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 ओ 3 नहीं आएगा बस 6 भी नहीं आएगा 3 और 6 कट गए मतलब सी वाले एलिमेंट्स को सैंपल स्पेस में से छोड़ के जो बचा उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके बेटा जी समझ आ गई सबको हर्षवर्धन क्लियर जपन क्लियर बेटा ओके गुड। अभी ये पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही है बेटा आपको बताना है कि कभी ए निकालना है कभी यूनियन निकालना है कभी लिखा होगा ए बट नॉट सी ए बट नॉट सी मतलब ए माइनस सी ठीक है बी बट नॉट सी मतलब बी माइनस सी। अच्छा कई बार आपसे पूछ लेते हैं अब जैसे यही इवेंट्स लिखे थे आउट ऑफ दीज इवेंट्स विच इवेंट इज सिंपल एंड विच इज कंपाउंड कंपाउंड इवेंट मतलब जो सिंपल नहीं होगा जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होंगे दिस इज अ कंपाउंड इवेंट दिस इज कंपाउंड दिस इज कंपाउंड दिस इज कंपाउंड ये तो है नल इवेंट है ना दिस इज सिंपल इवेंट। ओके क्लियर बेटा तो ऐसे ये सारी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस हैं आपको मुश्किल नहीं आएगी करने में दैट इज योर असेसमेंट आपने कॉपी पे करनी है मैंने कभी भी मंगवा लेनी है आप इसको करके रखोगे। क्लियर बेटा
अब हम मेन, ये तो अभी जो भी हमने किया ना ये इवेंट्स के साथ साथ कोरिलेटेड था, अब जो हम करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी पे आने लगे हैं। ठीक है, हमने बेस तैयार किया अभी तक एक्सरसाइज 16.2 तक। अब बेटा मेरे पास हो गए, क्या यहाँ पर करेंगे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, बिल्कुल वही प्रोबेबिलिटी का जो आप आगे भी फॉर्मूला करते थे कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कैलकुलेट करना है, तो वही हमारे पास होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है बेटा जी। तो इन्हीं को अब हम यूज करेंगे। अब बेटा अगर मुझे ये कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है और E2, ये कैलकुलेट करके बताए, हमने इवेंट E1 और E2, और का मतलब सेट थ्योरी में क्या होता था, और की जगह पे हम क्या लेके आते थे, आपने किया हुआ ना कॉफी और टी, नंबर ऑफ पर्सन दैट लाइक्स कॉफी और टी, करते थे कि नहीं नंबर, तो क्या डालते थे उसमें, हाँ जी यूनियन, यस वी यूज यूनियन, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब आपने सेट थ्योरी में ये किया हुआ है कि एन ऑफ E1 यूनियन E2 इज एन ऑफ E1 प्लस एन ऑफ E2 माइनस एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, आपने ये की। अब हम बात करने हैं प्रोबेबिलिटी की, फॉर्मूला सेम ही चल रहा है, बस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 को आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे, वहां नीचे किससे डिवाइड नहीं करते थे, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, समझ आई बात, सिर्फ प्रोबेबिलिटी आना है एन की जगह पे, यानी अगर मैंने निकालना है तो इसके फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसके फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसके फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस, समझ आए बेटा बात, ठीक है जी। अब ऐसे ही मेरे पास इंटरसेक्शन का हो सकता है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की निकालनी है तो मैं क्या करूंगी बेटा, ये इंटरसेक्शन इधर आ जाएगी, यूनियन इधर चला जाएगा, डजंट मैटर, ओके बेटा सबको बात समझ आई। अब बेटा यहां पर जो है हम हर एक्सपेरिमेंट को इक्वली लाइकली कंसिडर करते हैं, इक्वली लाइकली का मतलब हर एक के चांसेस आने में सेम हर एक के चांस, अगर डाइस फेंका मैंने 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 6 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक है बेटा। अब प्रोबेबिलिटी में मैंने वैसे ये चीज आपको पहले ही बता दी है, मैं फिर बताने लगी हूँ, अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मान लीजिए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, हमें पता है इसकी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 के इक्वल हो जाती होती है ना, तो इसका मतलब यहां पर अब हम क्या करेंगे, कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा दैट मींस कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी देखना है तो वो 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि माइनस इंटरसेक्शन वो तो 0 ही हो गया, दिस इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी। अब यहां पर ना
कुछ रिजल्ट्स हैं। एक तो मैंने ये बताया आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम ऐसे प्लस में लिख देते हैं, है ना। एक और हमारे पास जो है आगे एक रिजल्ट है जिसमें ए यूनियन बी को हम ना डिफरेंट वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है हम आगे करेंगे, मैं रीज्वाइन करती हूँ बिकॉज द पीरियड इज ऑफ नाउ, ठीक है। तो आई विल रीज्वाइन योर क्लास अगेन, ओके, क्लियर बेटा।